केंद्रीय रेलवे बोर्ड समिति के सदस्यों ने बीते दिनों राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के कोने कोने में अपनी नजर घुमाई। चार सदस्यीय टीम राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके बाद नागपुर डिवीजन के अधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे बैठक ली, फिर प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया, वहीं यात्रियों से सुविधाओं के संबंध में जानकारियां ली। इसके बाद प्लेटफॉर्म में यात्रियों के बैठने के लिए लगी कुर्सियां भी स्थिति देखी। कुर्सी के ऊपर पंखा नहीं मिला, जिसे इलेक्ट्रीशियन को मौके पर बुलाकर पंखा लगाने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टीम के सदस्य किशोर, सुरेंद्र भगत, बेबी चंकी और नागवानी ने रेल यात्रियों से स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली। इस दौरान गुरमीत सिंह भाटिया, पूर्व सैनिक स्टेशन सलाहकार सहित अन्य यात्रियों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। यात्रियों ने कहा कि ट्रेनें 8 से 10 घंटे देर से चल रही है, जिसके चलते गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हम आज के दिन मतलब ट्रेनें बहुत विलंब से चल रही हैं, यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। इस सिलसिले में रेल भवन चेयरमैन रेलवे बोर्ड से अधिकारी लोग आए थे राजनांदगांव में, डोंगरगढ़ में, आऊंगांव में और गोंदिया और तुमसरोड में, जहाँ उन्होंने यात्रियों की सुविधाएँ, स्टेशन में सुविधाएं और सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने आए थे। मैं स्टेशन सलाहकार राजनांदगांव का सदस्य था, जहां मैंने अपनी बातें रखी, कुछ विचार बिंदुओं को मैंने उनको ज्ञापन दिया, जिसमें मैंने कहा कि समयबद्धता से ट्रेनों का परिचालन नहीं होने के कारण अनेक ड्यूटी पेशा, रोजी रोटी कमाने खाने वालों को अत्यंत परेशानी हो रही है। क्योंकि अगर एक दिन ट्रेन लेट हो आधा एक घंटा तो समझ में आता है, लेकिन समस्त कोचिंग ट्रेनें 10-10 घंटा, 8-8 घंटा लेट चल रही हैं, और यहाँ तक कि लोकल ट्रेनें भी अत्यंत देरी से चल रही हैं, जिसके कारण यात्री बहुत परेशान हैं, बहुत सुविधा हो रही है। इस विषय आपका, आपने जब ज्ञापन दिया तो रेलवे प्रबंधन का कैसा रुख था, क्या बोला? उन्होंने कहा कि मतलब इसमें अभी तीसरी लाइन का काम चल रहा है नागपुर की तरफ, बिलासपुर से नागपुर की तरफ, जैसे ही इसका मतलब कार्य पूर्ण हो जाएगा ये यथावत चलेगी। मतलब व्यवस्था में सुधार कब तक होने की संभावना है? यह तो रेलवे ऊपर डिपेंड करता है, जैसा जैसा वो फंडिंग लगाएंगे, जैसा जैसा वो कार्य को प्रगति में लेंगे तो कार्य शीघ्र होगा, अत्यंत मतलब नहीं तो यह देरी से विलंब रहेगी और ये मतलब स्थिति निर्मित रहती रहेगी।